पब्लिक टीवी आपकी आवाज। शहर के कटघर थाना क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्वों ने एक स्कूल में जमकर दबंगई दिखाई, जिससे वहां एकाएक हड़कंप मच गया। वहीं यही नहीं, स्टाफ के साथ भी मारपीट और तोड़फोड़ भी की गई, जिससे स्कूल में पढ़ रहे बच्चों में खौफ भर गया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी, जबकि पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गयी। घटना थाना क्षेत्र के करूला में मैक्स डिवाइन स्कूल की है, जिसे आसिफ नाम का युवक चलाता है। आसिफ किसी कंपनी का एजेंट भी है। उसका कुछ लोगों से पैसे को लेकर विवाद भी चल रहा है। रोज की तरह स्कूल चल रहा था, जहां मासूम बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। इसी बीच दर्जनों लोग हंगामा करते हुए जबरन स्कूल के अंदर घुस गए। दबंगों ने स्कूल में घुसते ही स्कूल स्टाफ के साथ जमकर मारपीट करते हुए कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी। हालांकि ये सारा वाक्य स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया। स्कूल में बवाल और हंगामे के दौरान बच्चे सहम गए। स्कूल में हंगामा और मारपीट करने के बाद दबंग वहां से फरार हो गए। पीड़ित की तरफ से पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फिलहाल किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है। मेरा नाम जेबा है। क्या हुआ जेबा? मैं मैक्सिमेंट पब्लिक स्कूल की टीचर हूं। सुबह 10:30 बजे हमारे स्कूल में बहुत ज्यादा हंगामा क्रिएट हुआ है, और जब हमने नीचे जाकर के देखा तो हमारे स्कूल के मैनेजर मिस्टर मोहम्मद आसिफ जो है लोगों ने घेर रखा था, औरतों ने और आदमियों ने उनके ऊपर लिपटे हुए थे बुरी तरह से। जब हमने बीच बचाव कराने के लिए उनसे कहा कि स्कूल में हंगामा मत करिए, तो उन लोगों ने हमारे ऊपर भी एकदम चप्पलें और कुर्सियां डालना शुरू कर दी और हम लोगों को बहुत बुरी तरह पीटा। हमारी उन्होंने कोई बात नहीं सुनी और हमने 100 नंबर पर भी कॉल की, 10 नंबर पर भी कॉल की, लेकिन पुलिस ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। और जब तक वो लोग आए तो वो हमें मार चुके थे, और जैसे ही वो पुलिस एंटर हुई गेट में से, तो उन लोगों ने जो आरोपी थे जो हमें मार रहे थे उन्हें गेट के बाहर कर दिया। ये कल थाना कटघर क्षेत्र में ऑक्सफोर्ड स्कूल में कुछ जनता के व्यक्तियों द्वारा घुसकर स्कूल के प्रबंधक के साथ मारपीट की गई। दोनों पक्षों के द्वारा तहरीर दी गई है। जांच में पाया गया कि कुछ पैसे के लेन देन का मामला था, क्योंकि ये प्रबंधक जो है वो एक सारा कंपनी का एजेंट रहा, तो वही पैसे का लेन देन का मामला था। उस संबंध में तहरीर प्राप्त हुई है और NCR दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है।